ऐसा गेम प्ले बहुत कम बार ही होता है, 2% चार्ज होने के बाद भी गेम प्ले निकाल लेते हैं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, फिर से आ चुके और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। आज वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ऐसे एक सिचुएशन आएगा जहां पे मेरा पूरा टीममेट्स होप छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी अकेले सबको मार के चिकन डिनर भी ले लेंगे। तो गाइस देर ना करते हुए चलिए शुरू करते आज का गेम प्ले। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाता है उल्टा नगरी में। अब उतरते गन भी मिल जाते हैं और नीचे से एक बंदा भाग के जा रहा है। इस चाचा को पकड़ के पूरा पेटी बना देते। दिन गाइस हम अकेले लूटी कर रहे थे, उसी टाइम पे मेरा टीममेट्स नॉक हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। छोड़ के लेकिन उस टीममेट्स को बचा नहीं पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप बदला तो ले सकते हैं ना, तो सामने सिप पे ही बंधा होता है। इस चाचा का पूरा पेटी बना देते। दिन गाइस इधर से निकल के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ऊपर बंधा होता है, और आगे जाके इसका पूरा स्क्वाड भी मिलने वाला है। दो बंदे को तो नॉक कर देते, लेकिन पीछे एक बंदा कैंप कर रहा था, उसको हमने नोटिस नहीं किया था, तो इसके वजह से मेरा पूरा टीममेट इधर खत्म हो जाता है। देन गाइस ऊपर सीप में लूट करके हम लोग स्कूल अपार्टमेंट आते हैं, तो मेन बिल्डिंग में एक पूरा स्क्वाड होता है। अब गाइस स्कूल अपार्टमेंट में जो भसड़ मचने वाला है नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। छत से कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो क्लोज इन करने के लिए हम पोर्टल बनाते हैं नीचे आके। उनके घर तक चले क्या? होटल बनाओ, चलेगा? अभी तक एक ही स्क्वाड है जो ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक के बाद एक 3-4 स्क्वाड आते जाएगा, हील करने का भी टाइम नहीं देने वाला है। मेरा मॉली से मेरा टीममेट्स भी नॉक हो जाता है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं था, हम कॉल करके ही मॉली कर रहे थे, तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब उसी टाइम पे आप देखो गाइस एक स्क्वाड रश करता है जो नीचे से आता है। आइए ये वाला 1v3 तो हो जाता है, लेकिन मेरा तीनों टीममेट्स नॉक पड़ा हुआ है, तो मेरा एक टीममेट्स को रिवाइव भी दे रहे थे, उसी टाइम पे राइट साइड से और एक स्क्वाड रश कर देता है। एक टीममेट्स को रिवाइव देके हम हील ही कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे मेरा एक टीममेट्स उन लोगों को लोकेशन बता देता है, तो मुझे इधर से भागना पड़ेगा। अब मेरा सारा टीममेट्स खत्म हो चुका है, तो हम राइट साइड वाला बिल्डिंग पे आते, उसी टाइम पे और एक स्क्वाड रश करता है। आइए क्या ही बोले गाइस, मजा आ गया। तो गाइस अगर अभी तक मेरा गेम प्ले आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अब इन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऊपर जाके हम तुरंत नीचे आ जाते। अब हम हील ही कर रहे हैं और बंदा ऊपर मुझे ढूंढ रहा है, तो जल्दी से हील करके इधर से निकल जाते मेन बिल्डिंग पे। कर लो कॉल।
अब मेन बिल्डिंग पे आते ही हम टीपीपी ले रहे थे, उसी टाइम पे गाइस और दो स्क्वाड रस कर देता है। अब तीन स्क्वाड के बीच में हम अकेले फंसे हुए थे, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। ग्रेनेड से एक बंदा खत्म हो जाता है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला बिल्डिंग से दो बंदा और रस करता है। मॉली से एक बंदा नॉक हो जाता है, तो इस टीम का आखिरी एक बंदा जो सामने ही होता है। अब इस बंदे का थोड़ा दिमाग देखना। ओ भाई साहब क्या ही बोले, मजा आ गया। अब गाइस थोड़ा पेटी देखो, कितना पेटी बनाया हमने, चारों तरफ पेटियां पेटियां। हम अकेले लूट भी करेंगे तो इतना बड़ा बैग भी नहीं है कि हम सब पेटी लूट सकते। तो हम लूट करके आगे ही जा रहे थे, उसी टाइम पे कैंपर चचा कहाँ पे छुपा हुआ था मुझे नहीं पता। सर्किल में जाने के लिए हम गाड़ी में बैठते हैं, तो कैंपर चचा मेरे ऊपर रस कर देता है, लेकिन दिक्कत ये कि मेरे फ़ोन में ओनली 2% बैटरी होता है, तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन बंद ना हो जाए। ये कैंपर चचा का पेटी बना दिया। तो गाइस ये वाला स्कूल अपार्टमेंट क्लियर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, लेकिन दिक्कत ये कि अभी हेडफोन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हेडफोन का जैक और चार्जिंग का जैक दोनों एक ही जगह पे है। तो हम हेडफोन खोल के चार्ज में लगाते तो हम सर्किल में ही जाते, लेकिन भैया मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है, इधर फ्यूल खत्म हो जाता है। अब मुझे सर्किल में एज में छोड़ देता है, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, सर्किल इधर से पक्का कटने वाला इतना तो मुझे पता ही है। तो थोड़ा सा हम इधर होल्ड करते, लेकिन आगे सर्किल कट जाता है तो मुझे सर्किल में भी जाना है, और सामने एक पूरा स्क्वाड होता है, लेकिन हम नहीं मारते क्योंकि मुझे सर्किल में जाना है पहले। जैसे तैसे करके सर्किल में तो आ जाते, लेकिन मेरा फ़ोन में अभी तक चार्ज नहीं हुआ, ओनली 3% चार्ज हुआ। तो सामने शॉप पे एक बंदा, राइट साइड वाला ट्रिपल हाउस पे एक स्क्वाड जिसने फ्लेयर मंगाया, और गाइस लेफ्ट साइड वाला ऊपर बड़ा बिल्डिंग पे देखो, छत पे भी एक स्क्वाड बैठा हुआ है। तो हम फिर से तो होल्ड ही करते हैं। अब एक बंदा मेरा राइट साइड वाला वॉल के पीछे है, लेकिन उसको नहीं पता हम इधर कैम्प कर रहे हैं। इस बंदे का पीटी बना के तुरंत हम इधर से निकल जाते, क्योंकि मेरा पोजीशन उन लोग को पता चल गया, और ऊपर से मुझे सर्किल में भी जाना है। अब देखो गाइस कितना इंटेंस सिचुएशन हो जाएगा। गाइस मेरा एचपी चेक करो, लिटरली 0 HP तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा एचपी तो बचा हुआ है। अभी तक हम सर्किल में नहीं है, मुझे सर्किल में जाना है कुछ भी करके। तो जैसे तैसे करके फिर से वापस पीछे से हम सर्किल में चला जाते, दिन गाइस मुझे अब फाइट लेना ही पड़ेगा।
इतना सारा ग्रेनेड करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, ऊपर से हम अभी तक सर्किल में भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे क्या जाते, लेफ्ट साइड वाला बड़ा बिल्डिंग पे भी एक बंदा होता है। अब हम अकेले बंदे और चारों तरफ से हम फंसे हुए हैं, तो मेरा टीममेट्स बोलता है कि हम इधर बच ही नहीं सकते। अब मेरा फ़ोन का बैटरी सिर्फ 4% हुआ है। आप देखो गाइस क्या ही इंटेंस हो जाता है सिचुएशन। फूट नहीं आया, देखो एक और बगल से ही तेरे। Awesome. भागो। दो बंदा ही है, देख। तो कहाँ जाएगा? इस बंदे को मारने के बाद एक ही बंदा बचता है जो वॉल के पीछे होता है, तो मुझे हिल करने के लिए मौका मिल जाता है। तो हिल करते दिन कैसे हम लेफ्ट साइड वाला ऊपर में चला जाता है। अब देखो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा सिचुएशन। आइए क्या ही बोले गाइस, मजा आ गया। गाइस कमेंट करके जरूर बताना ये वाला गेम प्ले कितना इंटेंस था। तो गाइस इसी के साथ ही आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल।